Senior consultant in the department of obs and gyne, Cloudline Hospital, Punjab. Today I am going to talk about cervical cancer screening. Dear friends, as you all know, India is a land of diversity, and this is reflected also in varied practice followed for cervical cancer screening. But now FOGSI, Gynecological Oncology Committee, have presented GCPR for Indian scenario. What is GCPR? Good Clinical Practice Recommendation for Cervical Cancer Screening. Now, in Indian scenario, we have to identify we are in good resource setting or we are in low resource setting. If we are in good resource setting, we can start screening at the age of 25 years. In low resource setting, at the age of 30 years. In good resource setting, we can start LBC. LBC is liquid-based cytology. That is the cervical cancer screening test. There are the two, आपने सबने ही सुना होगा पेप स्मियर. पेप स्मियर इज द कन्वेंशनल मेथड ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एंड एलबीसी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी द एडवांस मेथड. दोनों की सेंसिटिविटी में थोड़ा सा फर्क होता है. ओवरऑल सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जब हम करते हैं तो इट इज अप टू 60-80% स्क्रीनिंग. आपका 60-80% सेंसिटिविटी होती है सर्वाइकल कैंसर को जानने के लिए. गुड रिसोर्स सेटिंग में हम कई तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं. अगर हम एलबीसी से कर रहे हैं अकेले तो हमें 25 इयर्स पे स्टार्ट करना है, और अगर हम एचपीवी से कर रहे हैं तो हम 30 इयर्स पे स्टार्ट कर सकते हैं. देयर इज को टेस्टिंग आल्सो. को टेस्टिंग में हम एलबीसी और एचपीवी कर सकते हैं, और एलबीसी या वीआईए कर सकते हैं. वीआईए इज द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स विद एसिटिक एसिड. तो अगर हम को टेस्टिंग करते हैं, को टेस्टिंग वी हैव टू रिपीट एवरी 5 ईयर, एंड एलबीसी वी हैव टू रिपीट एवरी 3 ईयर. जब हम लो रिसोर्स सेटिंग में, जहाँ वीआईए की बात कर रहे हैं, वीआईए हम 30 ईयर से स्टार्ट करते हैं और इसको एवरी 5 ईयर करते हैं. इन 30 ईयर्स ये हमने एज क्यों डिसाइड करी है, ये देखा गया है कि इंडिया में जो मेन बल्क है कैंसर का, जो मैनिफेस्ट करता है, वो आफ्टर 30 ईयर से मैनिफेस्ट करता है. तो उसी के बेस पर हम अपनी स्क्रीनिंग करते हैं कि 3 ईयर एंड 5 ईयर. अब ये हमें कब तक करना होता है, हम इसको स्टॉप कब करना है. हम 65 ईयर की एज पर इसको स्टॉप करना होता है जब आपको लगता है कि 15 ईयर्स से कंसिस्टेंट नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम स्क्रीनिंग को स्टॉप कर देते हैं. वीआईए भी हमें 65 ईयर्स पर स्टॉप कर देना होता है. वीआईए स्पेशली आपका जो भी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, इनमें वीआईए बहुत इफेक्टिव नहीं होता. अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले रखी है एचपीवी की, तो क्या मुझे अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए. वैक्सीनेटेड वुमेन को भी अपनी एचपीवी स्क्रीनिंग रूटीन स्क्रीनिंग की तरह, एचपीवी एलबीसी स्क्रीनिंग रूटीन स्क्रीनिंग की तरह ही कंटिन्यू करनी होती है. ऑल द को टेस्टिंग सबसे इफेक्टिव मानी जाती है जब एलबीसी और एचपीवी एक साथ करते हैं. दैट इज द बेस्ट मेथड टू स्क्रीन सर्वाइकल कैंसर. हमें अब कुछ पेशेंट का क्वेश्चन आता है, हिस्टेक्टमी हमने करा रखी है तो हमें करानी है क्या. अगर हिस्टेक्टमी किसी बेनाइन रीजन की वजह से है, कि जहां पर सर्विक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और सर्विक्स भी रिमूव है, तो स्क्रीनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है. अगर आपने सर्वाइकल लेजन की वजह से हिस्टेक्टमी कराई है, तब आपको आगे भी स्क्रीनिंग कॉन्टिन्यू रखनी होती है. मेनली एचपीवी आपको 16 और 18 मंथ्स पे कराना चाहिए, और आगे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट हमें उसको कॉन्टिन्यू रखना होता है. अब अगर एलबीसी या पेप्समिर में आपका कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं, एक तो आपकी नॉर्मल स्टडी होती है, अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं तो हमें उसके लिए कॉल्पोस्कोपी करना होता है. अगर कॉल्पोस्कोपी पे आपको कोई सस्पिशियस कुछ लगता है, कोई लीजन आप सस्पेक्ट करते हो, तो बायोप्सी करनी होती है, फिर बायोप्सी से उसको कन्फर्म करना होता है. तो आज जब भी सर्वाइकल कैंसर बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज है, इट इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया. तो डियर फ्रेंड्स, आप सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जरूर कराएं, इस अवेयरनेस को आप भी फैलाएं और एचपीवी वैक्सीनेशन भी लें. थैंक यू फ्रेंड्स.